अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपने अपने गरेबान में मतीउल्लाह जान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और उस इजलास के ज़रिए ये पैगाम दिया वाज़े तौर पे कि उनकी पूरी नून लीग जो हुक्मरान जमात है उनके साथ है, उनको सपोर्ट कर रही है और उस जमात में कोई इख्तलाफात नहीं है। बावजूद इसके कि बहुत संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं पनामा स्कैंडल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जीआईटी ने जो रिपोर्ट पेश की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें न सिर्फ ये कि पनामा स्कैंडल के हवाले से बहुत से इल्ज़ामात की तस्दीक की गई है, मगर उसके अलावा भी नए इंकशाफात भी जीआईटी ने किए हैं। मगर इन इंकशाफात को नाम दिया है इल्ज़ामात का हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने और ऐलान किया है कि वो इन इल्ज़ामात का सामना करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ 17 तारीख को यानी आज से 3 दिन बाद जीआईटी की रिपोर्ट के ऊपर फ्रीकेन का मौकफ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो पीर को शुरू होगी, मगर आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है इसकी अपनी ही एक अहमियत थी। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि इस इजलास से क्या जाहिर हुआ और इस इजलास में शरीक हुक्मरान जमात के नुमाइंदे भी आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे। मेहमानों का तारफ कराते चलें, हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं चौधरी असदुर्रहमान, रुकन कौमी असम्बली हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और आज के इजलास में ये शरीक भी हुए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आयतुल्ला दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ आरिफ अब्बासी जो कि रुकन सूबाई असम्बली हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक है और तहरीक इंसाफ में ये होते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर कुछ देर में ज्वाइन करेंगे सरदार हमीद, सीनियर रिपोर्टर हैं वक्त न्यूज़ इस्लामाबाद के, और उसके बाद हमारी कोशिश है कि राना सनाउल्ला वज़ीर कानून पंजाब से भी हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में रब्ता कर सकें। सबसे पहले तो सरदार हमीद साहब से हम अपडेट लेते हैं। सरदार हमीद साहब, आज जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी जमात को मुत्तहिद दिखा दिया, कितने अराकीन आज के पार्लिमानी इजलास में शरीक हुए और कौन कौन शरीक नहीं हुए, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल मतीउल्ला जान साहब, आज इस तरह आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने इससे पहले जीआईटी रिपोर्ट आने के बाद वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया था, उसमें भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने एक वाज़ेह मौक़िफ अपनाया जो अपोजिशन की जानिब से मुतालबात इस्तीफे के सामने आ रहे हैं वज़ीर आज़म पर, जो जीआईटी में इल्ज़ाम सामने आए थे, और उसके बाद तो वज़ीर आज़म ने जिस तरह गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना के इजलास में एक वाज़ेह पोजिशन ली, आज एक बार फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ और भरपूर आज शिरकत हमने देखी। 189 मजमूई तौर पर एमएनए इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं गरीबन, और 25 सेनेटर्स हैं, और एक अहम बात ये थी कि वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान और इस इजलास से शरीक नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनके हवाले से कुछ शकूक व शुबात जो है वो सामने आ रहे थे मीडिया में, और आज किसी हद तक वो सही भी साबित हुए कि आज वो इस अहम तरीन इजलास में शरीक नहीं थे, जबकि एक और एमएलए थे, तमाम उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनका कोई उधर जो था वो बीमार थे या कोई इस तरह की सूरत हाल थी। बाकी जो एमएलए से बड़ी तादाद में आज शरीक हुए, वज़ीर आज़म जब इजलास में पहुंचे तो भरपूर तरीके से खड़े होकर शिरकतों पर उनका इस्तकबाल किया गया, तालियां बजाकर और भरपूर इत्मीनान का इजहार आज वज़ीर आज़म को दिया गया है पार्लियामेंट पार्टी की जानिब से। और इस इजलास में भी आज जिस तरह बाकी काबीना में वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे किसी सूरत भी अपोजिशन के डिमांड पर और जीआईटी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे, इसी तरह आज उन्होंने अपने एक बार फिर अपने इस मौकफ को और इस अदा किया इस मौकफ का कि वो एक बार फिर जो है किसी भी मुतालबे को नहीं मानते और ये मुतालबे बेबुनियाद और माजी की तरह वही इल्जाम है, और जीआईटी पर भी उन्होंने आज खासी तनकीद की। जीआईटी को उन्होंने कहा कि जीआईटी की जो रिपोर्ट है वो महज एक जानबदार और सोर्सेज पर मुश्तमिल और एक बोतान तराशी और वन साइडेड रिपोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो इस्तीफा आज भी ये अपने मौकों को दोहराते हैं कि वो इस्तीफा किसी सूरत नहीं देंगे और जो एजेंडा है तामीर तरक्की का उसे जारी रखेंगे। और अरकान में भी आज उन्हें एक एक करके उनकी आरा जो है वो ली, आज वज़ीर आज़म ने उनकी जानिब से भी जज्बात का इजहार किया गया इन जज्बात का कि वो वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं और वज़ीर आज़म किसी भी सूरत अपने वजह से अलग नहीं होंगे। सरदार अमित साहब, ये बताएं कि चौधरी निसार साहब की अदम मौजूदगी की कोई वजाहत पेश की गई हुक्मरान जमात की तरफ से? मतीउल्लाह जान साहब, वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान जिस तरह माजी में भी हुकूमत से अक्सर नाराज दिखाई देते हैं, आज एक बार फिर वो नाराज दिखाई दिए, और कल के इजलास में जब जो इससे पहले काबीना का हुआ उसमें जब वो शरीक हुए थे तो उस हवाले से मीडिया कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि वज़ीर दाखला ने
जो है वज़ीर आज़म के इकदाम को सराहा है और काफ़ी उनके उनका साथ देने का आज़म का इरादा किया। इसकी फिल फोर वज़ीर दाखिला ने तरदीद की और मीडिया में ये रिपोर्ट उनकी तरफ से सामने आई। नहीं, नहीं, सरदार साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, चौधरी निसार ने जो वज़ीर आज़म की सपोर्ट का ऐलान किया था तो वज़ीर दाखिला ने उसकी तरदीद की, उस सपोर्ट करने के ऐलान की, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत करेंगे। ये बड़ी खास बात मुझे इस हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि काबीना के इजलास में जब वज़ीर दाखिला शरीक थे तो कुछ मीडिया ने ये उनकी तरफ से जो वहाँ पे इजहार ख्याल किया गया वो वज़ीर आज़म के हक में था और काफी हद तक उन्होंने वज़ीर आज़म का साथ देने की कुछ बातें जो है मीडिया में सामने आई, लेकिन कुछ ही देर में वज़ीर दाखिला ने तरदीद की कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, यानी वज़ीर आज़म की हमायत में उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की थी, जो बातें उन्होंने की हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और उनके ख्याल में उन्होंने तारीफों के पुल नहीं बांधे। मेरे ख्याल में सरदार साहब ये चौधरी निसार के हवाले से जो नाराजगी की खबरें थी ये उन नाराजगी की खबरों की तरदीद नहीं थी। बिल्कुल आज इस हवाले से जो वाज तौर पर ये चीज सामने आ चुकी है कि वज़ीर दाखिला के तफ़ज़ात हैं और लगता ही है कि क़यादत के तफ़ज़ात भी। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार हमीद, सीनियर रिपोर्टर वक्त न्यूज़ टेलीविजन के, हमें पार्लिमानी इजलास की अपडेट दे रहे थे। चौधरी असद रहमान साहब, थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें कि ये चौधरी निसार की अदम मौजूदगी को कैसे देखा जाए, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, काबीना के बहुत अहम रुकन हैं, तो वो क्यों गैर हाजिर थे आज के इजलास से? आप तो मौजूद भी थे। मैं तो मौजूद था और मैं समझता हूँ कि आज उनका, क्योंकि उनके मतलब देखें, कल शाम को या रात के वक्त मुझे इत्तला मिली कि यहाँ पार्लियामेंट पार्टी मीटिंग है। मैंने अपने हलका इंतखाब में काफ़ी मेरी कमिटमेंट्स थी रात तक, तो मैंने रात को फिर 9-10 बजे वहाँ से चला और रात को 3 बजे यहाँ पे पहुँचा और ज़्यादा मैं आराम भी नहीं कर सका और सुबह की मीटिंग में चल गया। उसकी खास वजह थी कि अगर किसी मजबूरी के तहत भी मैं ना इजलास में आया तो मेरे मतलब चूँकि ये चैनल 24 में मुबशर लुकमान साहब ने भी कह दिया कि ये पार्टी छोड़ने वाले हैं और तहरीक इंसाफ में चले जाएंगे, तो मैंने कहा कि ये एक किस्म की उन बातों की ताईद हो जाएगी कि शायद वाकई किसी में एजेंडे के तहत नाराज़गी अपनी जगह नाराज़गी नहीं थी। कुछ यह ज़रा जब एक पार्टी काम करती है तो उसमें इख्तलाफ राय मैं समझता हूँ होना चाहिए। चले तो मैं उनका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इख्तलाफ राय करता था। अब चौधरी निसार की गैरहाजिरी को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि अगर उनको कोई मजबूरी भी थी आज उनको जरूर आना चाहिए, ये मेरी राय है। तो इसका मतलब मामला संगीन है, इससे यही इंप्रेशन पैदा होता है। मैंने किसी से पूछा नहीं, ना इसका किसी मेंबर ने वहां पर सवाल किया पार्टी मीटिंग में, अगरचे सबने महसूस किया कि चौधरी निसार नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप चौधरी निसार के असली मौकफ क्या है, क्या है असली? अगर तो नहीं पता चला, देखो अगर मैं एक दफ़ा मैं वज़ीर मुमलकत भी था पार्लिमानी का नवाज शरीफ साहब का 1991 से 1993 तक, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आदमी का इख्तलाफ हो तो उसको इख्तलाफ करने से पहले, अब देखिए मैंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी मीटिंग में इख्तलाफात करता रहा, इख्तलाफ राय करता रहा, ये मीडिया में आके अगर मैंने कभी बाहर आके नहीं बताया, लेकिन मैं पार्टी छोड़ने का ना कभी इरादा था ना अब छोड़ूंगा। चले अगर अगर उनके इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं तो फिर उनको पार्टी को और कौम को एतमाद में लेना चाहिए और उससे पहले हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। आपकी ये राय है? मेरी राय है। मगर आप भी तो कहते रहे कि नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए इतने संगीन इल्जामात और जीआईटी में पेश होने से पहले। मैंने तो आज आप कहते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, आपने ऑन रिकॉर्ड ये टेलीविजन पे आपने कहते रहे उन्हें इस्तीफा दे देना। जिनमें शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी, सराजुल हक और खुर्शीद शाह, जो कि जिन्होंने आज अपोजिशन पार्टीज का इजलास बुलाया था, उनका बयान भी सुना। मैं आरिफ अब्बासी साहब आपकी तरफ इसलिए आना चाहूँगा, माजर के साथ आयतुल्लाह दुरानी साहब, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से बाबर अवान ने यह ऐलान किया था कि अब हम नवाज शरीफ का इस्तीफ़ा नहीं चाहते, हम शहबाज शरीफ का भी इस्तीफ़ा चाहते हैं और इलेक्शंस चाहते हैं इस मुल्क में। तो आज शाह महमूद मौजूद थे मगर आज वही तजवीज़ दे रहे लोग, अच्छे लोग मौजूद हैं, तो इलेक्शन के मुतालबे से आप दस्तबरदार हो गई है तहरीक इंसाफ और सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा चाह रही है, क्या पोजीशन? नहीं देखिए जी, खान साहब ने 3 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी जो बनी गाला, उसमें खान साहब ने कहा था 4 लोगों का इस्तीफ़ा। हाँ। उसमें इसहाक डार साहब थे, वज़ीर आज़म साहब थे, स्पीकर थे और शहबाज शरीफ साहब थे, क्योंकि ये 4 ऐसे लोग हैं, 3 तो पनामा लीक्स में हैं। तो इलेक्शंस का मुतालबा नहीं किया? नहीं, उस टाइम हमने इलेक्शन का मुतालबा या उस मीटिंग में कोई ऐसा फैसला तो नहीं हुआ था। बाबर अवान साहब ने जो मुतालबा किया, मुझे देखें हमारा जो इस टाइम जो
मुतालबा मेन है वो तो है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे हम उसको कबूल करेंगे। आज उन्होंने दोबारा दोहराया, देखिए हम अभी तक जो मेरे इतलात हैं जो अभी तक ऑफिशियली मीटिंग्स में वो चार इस्तीफे हमने खान साहब ने डिमांड की थी, उनके पीछे वजूहत थी बड़ी क्लियर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे उसको हम मानवान तस्लीम करेंगे। तो जहाँ तक देखें रूल ऑफ लॉ असम्बली तोड़ना कानूनन वज़ीर आज़म का एक इख्तियार होता है, जो भी वज़ीर आज़म हो, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप असम्बली को डिसॉल्व कर सकें। ठीक है ना, अदम एतमाद ले आए आप, अदम एतमाद दिए, ये अदम एतमाद आता है या वज़ीर आज़म का। अब देखें अगर वज़ीर आज़म हमारे कायदे ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, हम आइन से बाहर किसी तरह भी नहीं जाएंगे। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, आइन से बाहर किसी तरह नहीं जाएंगे, तो क्या आइन के अंदर रहते हुए इमरान खान अब ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ असम्बली का एतमाद खो चुके हैं? नहीं देखें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कौम का एतमाद खो चुके हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब उनका मुलजिम से मुजरिम बनने में ज्यादा टाइम नहीं रहा, मुझे एतमाद खो चुके हैं आपकी राय। देखें अब एक टेक्निकल बात है कि असेंबली 171 नंबर्स चाहिए, लेकिन मॉरल वैल्यूज हैं जो इखलाकियात हैं आइन के अंदर रहते हैं, हम दो हम गैर हैं नहीं, क्या मैंने, तो मैंने खो चुके हैं या नहीं? मैं ये समझता हूँ कि वो उस मनसब पे रहने का जवाज खो चुके हैं, उनको इस्तीफा दे के किसी भी मेंबर को हमने आज तक आप ये नहीं कहते कि असेंबली में एतमाद खो चुके नहीं, हम ये आप नहीं नहीं हम हम ये समझते हैं कि उनकी पार्टी में कोई भी शख्स अपनी मेजॉरिटी उनके हमने कभी ही नहीं कहा असेंबली में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, ये हमने कभी नहीं कहा, हमने सिर्फ इतना कहा कि नवाज शरीफ में उनका एतमाद हासिल है, नवाज शरीफ साहब इस मनसब पे रहने का जवाज खो चुके हैं, जवाज खो चुके हैं लेकिन एतमाद हासिल है, नहीं एतमाद असेंबली में हासिल है, नंबर्स तो हैं उनके पास, नंबर तो आपके काम में उनके ज्यादा हैं, नंबर उनके ज्यादा है तो फिर यही चल चाहे आरओ के। वेलकम बैक, अपना गिरबान में बात हो रही है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पार्लिमानी इजलास में एतमाद हासिल करने की। आयतुल्लाह दुरानी साहब, आप भी सियासी जमात हैं, आप भी हुकूमत में रहे हैं, अब जो फ़र्क नज़र आ रहा है अपोजिशन लीडर और आपकी जमात कह रही है कि हुकूमत को टेन्योर पूरा करना है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी जगह नून लीग में किसी और को वज़ीर आज़म बना दें, और बज़ाहिर तहरीक इंसाफ़ की तरफ से कल बाबर अवान और फिर शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन फौरी तौर पर कराए जाएँ। तो अगर आप लोगों में इतना जो है इख्तलाफ है तो आज के अपोजिशन के इजलास में उसका क्या आप कन्वे क्या कर रहे हैं बताओ, आप मुत्तहिद हैं अपोजिशन, एक ही मुतालबा आप सबका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए कुछ चीज़ें इंसाफ के कटेरे पर हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला जेआईटी के रिपोर्ट के बाद जिस पोजिशन को इख्तियार करेगा, जो भी वो पोजिशन होगी उसको हम फॉलो करेंगे तमाम अपोजिशन। आप भी तेल की धार देख रहे हैं अभी? नहीं, असली मौका कोई नहीं आपका। दो चीज़ें ना, अब बात आ गई कि हम अदालत की तरफ देखेंगे कि वो फैसला करेगा तो हम वही अमल करेंगे। अब रहा कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की हैसियत से कौम के सामने खिताब करने के बाद जो अल्फाज अदा किए वो कौम के सामने आपके सामने मौजूद है कि अगर मुझे किसी भी रेफरेंस से कहा जाएगा तो मैं रिज़ाइन करूँगा। अखलाकी तौर पर अगर दो वोट भी आ जाएं और एक भी आ जाता, शक भी हो जाता उसको कि मेरे मुझ पर उंगली उठने वाली है, तो वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना चाहिए था। मैं वैसे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मीसा के जमहूरियत है, हम आज भी उस पर कायम हैं। हम मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म एक करप्ट वज़ीर आज़म डिक्लेयर हो चुके हैं, किसकी तरफ से? दो जजेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको कहा कि गो नवाज गो, एक जब उन्होंने गो नवाज गो कहा तो हम पे भी लाजिम है कि हम सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के उस जजों को गलत एट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं। देखिए दो जजों ने गो नवाज गो नहीं कहा, आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं? फैसले के फैसले को आप ही तय करते हैं इनकी। आप बिल्कुल फैसले गो नवाज गो का, उन्होंने फैसले को माफिया को जजों ने माफिया को पाकिस्तान का सरबरा बनने का भी इजाजत नहीं दिया, उन्होंने कहा कि माफिया है और इन्होंने इतने तो वो इख्तलाफी नोट है, वो फैसला तो नहीं है ना, देखें और ऊपर से आप गलत बयानी कर रहे हैं कि गो नवाज गो का। सर जी मेरे हिसाब से वो गो नवाज गो है। अच्छा, आज ये नवाज शरीफ अगर उसको कह रहे हैं जजों ने सियासी नारा लगा दिया? नहीं नहीं, तो ये गो नवाज गो क्या है? इसलिए तो दो ने दो का इख्तलाफी नोट तीसरे के लिए बहाना बना। अगर आप इसको जजों ने कहा डिक्लेयर कर, आपके दौर में जो सुप्रीम कोर्ट ने आपके साथ, तो हमने कहा कि हम मीसा के जमहूरियत के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ,
नवाज शरीफ साहब अब डिक्लेयर हो चुके हैं कि वो उसके पासदार नहीं रहे। किसने डिक्लेयर किए हैं, कहाँ डिक्लेयर हुआ है? चलिए मैं आपकी बात को मान जाता हूँ, मैं आपके उस अच्छे अल्फाज के साथ मान जाता हूँ कि आपने मेरे जैसे नादान को कहा कि जजेस ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा था उसकी कोई हैसियत ही नहीं। आपने अच्छा किया, कानूनी हैसियत नहीं, नहीं आपने अच्छा किया, उसकी कानून या आईन में कोई बैलेंस नहीं कर, सियासी हैसियत होगी। अब देखो ना, अगर नहीं था तो फिर जीआईटी की तरफ जाने का कोई हिस्सा नहीं था। हम पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मीसा की जमहूरियत को चलने दो इस मुल्क में, उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब अपने अंदर से चौधरी साहब को लेके आ जाए, चौधरी निसार, असद रहमान को लेके आ जाए, चौधरी निसार को लेके आए, पंजाब के किसी चौधरी को। अब आप तय करेंगे, ठीक है ना, उनका मैं बताता चलो, मैं राणा सनाउल्ला को वहां से लेकर के लाके वजीर आजम बनाए, पॉलिटिकल वर्कर। हमने शहबाज शरीफ का और सीफे का मुतालबा किया हुआ तो वहां से वो चले, आप राणा सनाउल्ला को कौन पूछता है, हमसे शहबाज को बनाए, शहबाज शरीफ को बनाए, हमारा इख्तिलाफ किसी के साथ। जी राणा सनाउल्ला साहब, बड़े बड़े नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं तहरीके इंसाफ की तरफ से और पीपल पार्टी की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। आज पार्लिमानी इजलास में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, सारे मुतहद हैं और नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इस्तीफ़ा नहीं देंगे। अपोजिशन ने भी अपने इत्तेहाद का इजहार किया है और नवाज शरीफ साहब से इस्तीफे का मुतालबा किया है, तो आपकी पार्टी कब तक ये फैसला करेगी या मजीद आप अदालती फैसलों के फैसला कोई और ही करेगा, ये क्या अदालतें ही करेंगे? देखिए बात यह है कि तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को हमारी इज्जत से जो इतना प्यार है कि ये सुबह शाम हलकान होए जा रहे हैं कि जी इज्जत से चले जाएं, आपकी इज्जत बच जाएगी, आप ऐसे कर रहे हैं, तो बहरहाल इनके मशवरों का बड़ा शुक्रिया। पार्टी जो है वो इस बारे में जो है वो उसने अपनी मीटिंग्स की हैं और उन मीटिंग्स में ये तय पाया है कि ये जो जीआईटी अलमारूफ जेएनआईटी की रिपोर्ट है इसको पूरी तरह से एक्सपोज किया नहीं। बहरहाल ये आईन का भी तकाजा है, कानून का भी तकाजा है, इखलाक का भी तकाजा है, हमारा भी ये वादा है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल डिसीजन देगी वो फैसला जो है वो हमें तस्लीम होगा, इसलिए भी होगा कि उस फैसले को तस्लीम किया जाना वो हमारे हक में हो या हमारे मुखालिफ हो, उसका फैसले का तस्लीम किया जाना ही इस सिस्टम के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क और कौम के लिए जो है वो बड़ा बेहतर होगा और इसके वसी तर मुफाद में होगा। इसलिए उस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अगर हमारे हक पे है तो पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए और अगर हमारे खिलाफ है तो हमें तस्लीम करना चाहिए। और अभी इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई मजीद इसमें कोई बहस वैसा जो है वो करना चाहिए। तो राणा साहब, ये चौधरी निसार अली खान का क्या प्रॉब्लम है? उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो लोगों को जो है वो खुश रखने के लिए या हौसला देने के लिए जो है वो लोगों को नजर आ रहा है। इस जमात में कई लोगों के प्रॉब्लम हो सकते हैं लेकिन चौधरी निसार अली खान वुड बी दी लास्ट मैन कि जो क्राइसिस में जो है वो मियां नवाज शरीफ को छोड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं मियां नवाज शरीफ वजीर आजम है, वजीर आजम होते हुए उसके साथ इख्तलाफ मेरा चौधरी निसार अली खान का सबका हो सकता है लेकिन मुश्किल वक्त में मियां नवाज शरीफ को कोई छोड़ने का जो है वो सोच भी नहीं सकता। तो इस मुश्किल इजलास में क्यों नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ दिया उन्होंने, क्यों नहीं आए? कोई बीमार थे, बाहर के मुल्क थे, मसरूफ थे, ज्यादा अहम मसरूफियात थी, क्या मतलब? कोई उनकी 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 जो है वो इस सिलसिले में मसरूफियात जो है वो हमेशा होती हैं और आपको पता है कि वो असम्बली का इजलास हो, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो, बाकी मीटिंग्स हो, उसमें उनकी शिरकत जो है वो बहुत कम कम होती है। मतलब वजीर आजम के कहने पे भी वो नहीं आते, कोई वजह तो आनी चाहिए ना सामने। नहीं, वजीर आजम से उन्होंने जो है वो बाकायदा उनके सामने रखा होगा कि वो किस जगह मसरूफ हैं और वजीर आजम की इजाजत से ही जो है वो उन्होंने वो मसरूफियत अंजाम दी होगी और अपना जो है वो इजलास में नहीं आए होंगे। तो राणा साहब, आपने जेआईटी को एक नया नाम दिया है तो इसके बावजूद जो है जिस किस्म के इशारे आपकी हुक्मरान जमात की तरफ से किए जा रहे हैं कि वक्त आने पे सारे राज राजों से पर्दा उठा दिया जाएगा,
और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि तीसरे धरने की तैयारी है, बड़े वाकयात हुए हैं जो मजमे में नहीं बता सकता, और बाज़ औक़ात दिल करता है सब कुछ बता दूँ मगर ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। तो ऐसा वक्त कब आएगा जब वो अहदे पर बरकरार नहीं होंगे? अभी क्यों नहीं बता देते? ऐसे कौन से राज़ उनके सीने में दफन है? वो उसमें बतीउल्लाह जान साहब, एक तो वक्त आएगा ये नेक्स्ट मंडे को, और नेक्स्ट मंडे को सुप्रीम कोर्ट का जो कानूनी आईनी इख्तियार है और उस इख्तियार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो JNIT है इसकी रिपोर्ट के मुतल्लिक फैसला करने का इख्तियार है, वो सारा राज वो हर चीज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की जाएगी जनाब ये JNIT जो है ये पूरी दुनिया से जहां गई भी नहीं है वहां से भी इसके पास जो है वो जवाब आ गया। ये जिस हुकूमत को इसने लिखा जवाब पहले से जो है वो वहां पे तैयार पड़ा था, और जो इसने चार सरे जो वर्क है जो अपना इसकी रिपोर्ट का उस पर इसने चार क्लेम किया, पर टॉल क्लेम। इंशाल्लाह ताला मतीउल्लाह जान साहब वो चारों गलत साबित होने जा रहे हैं, ये मंडे तक आप इंतजार करें। चले, तो आप इस जो है वो मंडे को एक्सपोज करेंगे, और एक बड़ी अदालत तो खुदा की है लेकिन खुदा के बाद बड़ी अदालत जो है वो खल्के खुदा की है जो अगले साल लगने जा रही है। चले ठीक है राणा साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ राजों से पर्दा उठाया जाएगा हुक्मरान जमात की तरफ से? जी बिल्कुल, कुछ राजों से पर्दा ये जो है मंडे को, और बाकी राजों से पर्दा जो है वो जब खलके खुदा की JIT बैठेगी अगले साल, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये रिपोर्ट और ये जो इस JIT में जो जिन आके दाखिल हुआ था ना उसको बिल्कुल एक्सपोज करेंगे हर गली मोहल्ले चौक। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून पंजाब, अपना अपना गरीबान को वक्त देने का। जी चौधरी असद रहमान साहब, आपने सुन लिया, मतलब के आपके अपना मौकफ़ था एक ख़ास बतौर MNA, अपने इख्तलाफात थे, मगर इन इख्तलाफात के बावजूद आपने आज पार्लिमानी इजलास में शिरकत की। राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं चौधरी निसार अली साहब की अपनी मसरूफियात होती हैं, क्या इस पार्लिमानी इजलास से ज़्यादा अहम कोई मसरूफियत हो सकती थी आज वफाकी वज़ीर दाखला के लिए? आप क्या कहते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर उनकी मसरूफियत थी तो फिर पार्लिमानी पार्टी को इत्माद भी लेना चाहिए था, बताना चाहिए था कोई इतला नहीं चाहिए, क्योंकि आज इसकी अहमियत है। देखें गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला हफीजुद्दीन साहब, हालांकि उनका हमारी पार्लिमानी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, खसूसी दावत पे वो आए हुए थे और उन्हें इजहार यकजहती किया कि गिलगित बल्तिस्तान में इस दौर में बहुत तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जितनी हमारी आबादी उससे ज्यादा हमारे पास सयाह वहाँ पे आए हुए हैं। और इसी तरह बलोचिस्तान के वजीर अला सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने बहुत लंबी बातें की और खूब अपना इजहार किया। जो लोग पार्लिमानी पार्टी के रुकन नहीं थे वो भी आए हुए थे। मैं समझता हूँ कि एक जो कैबिनेट का रुकन है और कल वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे, मेरी जाती राय है और मुझे इस पर तश्वीश है कि अगर उनका इतना ही बड़ा इख्तलाफ तो हमें इत्माद मिले, यानी हमें इत्तला, और अगर नहीं है तो फिर कम से कम मीडिया पे जाके कहें कि मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है और मैं पूरी तरह जमात के साथ हूं। जैसे परसों दो दिन पहले मैं कमालिया में अपने गाँव में मौजूद था जब मुझे किसी ने फोन किया, एक जर्नलिस्ट थे, कि यहां अभी Channel 24 पे तुम्हारा नाम आया कि तुम मुस्लिम लीग छोड़ रहे हो। मैंने कहा मैं तो नहीं छोड़ रहा। अगले दिन ही कामरान खान साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया और मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग नहीं छोड़ रहा। फिर मुझे पार्टी की इतला आई तो मैं रात के 3:30 बजे पहुंचता हूं कि वाकई ये बात लोगों के जहन में होगी, तस्वीर होगी कि शायद ये किसी इख्तलाफ की वजह से, और इन शकूक व शुबात के पब्लिश होने के बावजूद चौधरी निसार नहीं आए। इसका मतलब मुझे इस बात पर बड़ी खालिश है दिमाग में कि इस मौके पर जब पार्टी, ये देखिए बात यह है जी कि आज हमारी पार्टी जो है उसकी इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 30 साल से मियां नवाज शरीफ,
और उसके कुछ अर्सा बाद शहबाज शरीफ साहब की मेहनत से ये एक कौमी जमात बनी है। तो जाहिर है कि हमें सबको इस बात पे परेशानी है, तशवीश है कि इन मुश्किल हालात में पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया है। चले ठीक है, तो इन हालात में जो शख्स इतने अहम ओहदे पर है, उसकी पार्टी में वो पिछली दफा लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उन्हें जरूर कौम को एतमाद में लगा। आप ये मानते हैं कि पार्टी के मुस्तकबिल पे एक सवाल ये निशान आ गया? बिल्कुल है, ये हमें हमारे लिए जाहिर है, इसलिए हम आम आए हैं और इसलिए हमने इतनी यकजहती का इजहार किया है कि हम समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरी समझ से तो कम से कम बालातर है, नहीं मैं साजिश से कम, मेरी समझ से कार नहीं, राजा साहब ने कहा ये साजिश है, नहीं मैं मुझे फिक्र है, शक और शुभात है कि ये साजिश है, ये मेरे यकीन है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे शकूक है। दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी उसकी तरफ से ये तो कहा गया कि हम चाहते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करे, अगर वजीर आजम इस्तीफा नहीं देते तो आप क्या करें? जाकर के फिर सियासी पार्टियों ने बैठना है, अज़्म इख्तिलाफ़ ने बैठना है, जो मेजॉरिटी का फैसला होगा उसी तरह करेंगे, चाहे वो एहतजाज मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन की मेजॉरिटी हो, नहीं फैसले पर, अगर साथियों ने कहा कि ये होना चाहिए तो हम सबकी राय लेकर, इस्तीफे की भी एक ऑप्शन हो सकती है असम्बली से, तकरीबन वो नंबर वन पर हो सकता है, लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म उस दबाव को लेने से पहले खुद कर चुके होंगे। तो आरिफ अब्बासी साहब, आप लोग भी अगर चाहें तो वज़ीर आज़म को एक बार फिर इस्तीफा दे दें, लेकिन इस बार नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। देखें, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये क्रेडिट दें कि 70 साल तारीख में पहली दफ़ा हुक्मरान तक के को कोई एहतसाब के कुटेरे में संजीदगी से लाए हैं और उनके खिलाफ जो इल्जामात थे उनके रिटन प्रूफ सरकारी इदारे ने, इनकी हुकूमत के होते हुए इनके इदारे ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ चौधरी साहब एक सबूत पेश किए और इसी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ने जो हरकतें की, देखे ना, इनके FIA ने उसकी तहकीकात की, JIT ने उसकी तहकीकात नहीं की, जाजी साहब की उसकी तहकीकात FIA ने की, और क्या रिपोर्ट दी वो इदारा मातहत मौजूदा गवर्नमेंट के कि इसने रिकॉर्ड टेम्पर किया है। अब इस तरह के मामलात पहले कभी आपने तारीख में देखे? हमें फख्र है अपने लीडर पे, उसकी सोच पे, उसकी 21-22 साल की उन काविशों पे कि आज एहतसाब शुरू हुआ है और इस एहतसाब को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें जो भी कुर्बानी, इक्तदार, सीटें, पार्लियामेंट, ये अपनी जगह, लेकिन इस एहतसाब को इमरान खान साहब पहुंचाने के लिए आप हर कुर्बानी देंगे। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ साहब की जगह होता तो शर्म से डूब के मर जाता, ये अभी खान साहब ने आज ही बयान दिया है। बिल्कुल, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी ज्यादा शर्मिंदगी का मुकाम है तो फिर खान साहब को इस्तीफे देने में क्या मजाक है, क्यों नहीं इस्तीफे दे? देखिए मेरी बात, पहले तो वो धांधली के इल्जाम जो साबित भी नहीं हुए उन पे इस्तीफे दे, साबित तो हो गए, वो तो देखो वो भी साबित हो गए, क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे? हम देखें, हम अगर जब भी देखें, अभी अदालत में मंडे को उसकी हेयरिंग शुरू हो रही है, अगर ये इन्होंने ना इस्तीफा दिया तो हमारे पास ये ऑप्शन तो है ही है। अच्छा। ये तो विद इन हाफ एन आवर की बात है, हमारा इस्तीफा देंगे फिर आप जरूर, हमारे कायद ने अगर हुक्म किया तो क्यों नहीं देंगे? और फिर पीपल पार्टी, अब दुरानी साहब हंस रहे हैं आपके, नहीं नहीं मेरी बात नहीं, हंसने की बात इस वजह से नहीं है, दो दफा नहीं होता, अभी इस वक्त पाकिस्तान के साथ, आईन के साथ अपने तारीख के इंतहाई अहम मोड़ पे है, या करप्शन जायज हो जाएगी इस मुल्क में, या इंशाल्लाह ताला करप्ट लोगों के दिलों में खौफ पैदा होगा और उनका एहतसाब होगा। इस वक्त पीछे हटने का किसी के पास भी कोई ऑप्शन है नहीं, आगे जाने का। आप एग्री करते हैं इमरान खान साहब से कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है? नहीं, अभी तक तो कुछ चीजें और भी हैं, ये भी मकाम पहुंचा नहीं, अगर नहीं आया, अगर मकाम पहुंचा, अगर नहीं मरना होता तो कैलिफोर्निया कोर्ट के फैसले पर डूब मरते, नहीं उसके अलावा और भी बहुत से मामला, इनके जाती मामला, अगर मैं जातियात में खोलू ना, मुझे पता है CM हाउस से कितने घरों में राशन जाते हैं लाहौर, मुझे पता है, मुझे पता है और क्या क्या होता है, CSS अफसर की बीवी को किस तरह डरा के धमका के तलाक दिलाई जाती है और किस तरह उससे शादी की जाती है, हमजा शहबाज शरीफ क्या और क्या किया, मेरे पास एक हिस्ट्री है, मैं 22 साल से इस पार्टी में मुझे कोई भी नहीं, एक छोटे हमला जिक्र किया जाता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, क्या ये हकीकत नहीं कि आपके दौर में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से साजिश नहीं होती रही?
देखिए मुख्तलिफ आपके जो मुकाबला आरई है जो मुख्तलिफ अदारों के साथ, लोगों के साथ, कौमों के साथ, मुमलिकतों के साथ, पार्टियों के साथ, तो जाहिर है कि वो कहीं ना कहीं से कोई लूप्स आपके लिए निकाल लेते हैं, आपको फंसा लेते हैं। कौन निकाल लेते हैं, कौन फंसा लेते हैं? सिर्फ एक नहीं है, मसलन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं बता दूँ, अमरीकन ने आना था रूस के ख़िलाफ़ तारीख में, तो उन्होंने ज़ियाउलक को वहाँ से जॉर्डन से बना करके यहाँ तक पेश किया। जब मुशर्रफ साहब ने, अमेरिका ने क्लिंटन बिल, क्लिंटन आ रहा था तो एक साल पहले एडवांस बुकिंग हो चुकी थी मुशर्रफ की, तो वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने। तो जरदारी साहब भी इसी तरह आए थे? नहीं सर, नहीं, मैं आपको देखो, आप कह रहे हैं इधर तो सारे कुमरान ऐसे आते हैं, जो जरदारी साहब बड़े तरीके से आए। नहीं नहीं, देखो जमहूरी लोगों का और ताकतवर प्रोजेक्ट का बड़ा फ़र्क होता है। जब बिल क्लिंटन ड्यू हो गया था दिल्ली के लिए, तो आपको समझ आना चाहिए था कि क्या क्या कुछ हो रहा है। उसके नतीजे में फौरन ही आपके पास तालिबान भी पहुंच गए, पिछले वाले अलकायदा पहुंच गया, मदद किसने की? बिल क्लिंटन की मदद कौन कर रहा था? आज भी फर्ज कीजिए, साजिश के लफ्ज के पीछे हम जाते हैं, कौन है? जान नवाज शरीफ साहब ने डिस्कस किया, हम इसको सीरियस लेते हैं। फर्ज कीजिए अगर कोई इंटरनेशनल सब्जेक्ट इधर डाइवर्ट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है किसी पोजिशन पर, तो नवाज शरीफ साहब रुकेंगे नहीं, जाएंगे। आप अपने दौर की बात करें, मेरा सवाल ये था, आपके दौर में साजिशें हो रही थी, आप उन्हें कैसे रोक रहे थे? देखो पॉलिटिकली अभी भी कहता हूँ आपको कि साजिशों को रोकना पड़ेगा। कौन कर रहा है साजिशें, पहले ये बता दें, आपके दौर में कौन कर रहा था? हमारे दौर में आपके साथी खुद मिल करके कर रहे थे, सब हमसे मिल करके। कौन? नाम लेना आप, किस किस का नाम ले? आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ नाम लें साजिशों का? आप चाहते हैं ना 100% उसका? तो आप अपने दौर के साजिशों का नाम लें, पहल करें। मैं कुछ जगहों पर नहीं था, अगर मैं उन जगहों में बैठा होता वल्ला मैं नाम ले लेता 100%। आज तक आपको किसने बताया भी नहीं? नहीं, मुझे फारूक लगारी का पता है। अच्छा। बाकी उनका पता नहीं। क्या साजिश? किससे मिला हुआ? मेरा खालिद का पता है, बाकी उनका पता नहीं है। मुझे उसका पता है, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आया था पहले, ने आज तक जो है उन साजिशों का नाम नहीं लिया। देखिए कुछ जगहों पर वो जरदारी साहब को तो आप सजा देते रहे, साजिश क्या करना, हम साजिश ना करते रहे, बाकी ये कि हमें सजा देते रहे। अभी इनके लिए एस्टेब्लिशमेंट का वो पोर्शन, ये मेमो स्कैंडल जो था, ये आपके खिलाफ साजिश था? और क्या हमने किया था? क्या बताए ना, हुसैन कानी को तहफ़ आपने दिया, रहमान मलिक को सदारती माफ़ी आपने दी, एबटाबाद में जो हमला हुआ वो आपके दौर में हुआ, ये सारा आपके खिलाफ साजिश था या आप इस साजिश का हिस्सा थे? हम दोनों नहीं थे, वो हमारे खिलाफ थे, हम उस रात को और उस पोजीशन पर नहीं थे। कुछ जगहों पर आप घर पे नहीं थे? नहीं नहीं, हम उस पोजीशन पर थे। अगर आप कहते हो उसामा वाले में, कुछ चीज़ों का डिस्कस हो सकता है, बाकियों पे नहीं हो सकता। उसामा पे तो आपके वज़ीर-ए-आज़म ने बयान, मैंने कहा कुछ जगह, मैं कुछ जगहों पर हम कह सकते हैं। आप मानते हैं कि आज भी नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो रही है? मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ खुद अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार, मतलब ये जो JID रिपोर्ट है ये रिकॉर्ड की चीज़ है, ये एक ये रिकॉर्ड की चीज़ है, ये किसी ज़ाती इख्तिलाफ की वजह से नहीं है, एक टेक्निकली ग्राउंड पर ला करके टेबल पे सुप्रीम कोर्ट के पेश किए जाएंगे, तो ये साजिश हो नहीं सकते। मतलब ये साजिश नहीं है, ये प्योर इंसाफ हो रहा है। और जो आपके जो स्विस अकाउंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी, वो साजिश थी? फिल्टर हो कह सकते हो, प्योर नहीं कह सकते, फिल्टर इंसाफ हो रहा है। फिल्टर में जाली मुख्तलिफ हो सकता है, चेंजिंग जाली छोटे बड़े हो सकते हैं। ये बताए ना, जो आपके स्विस जरदारी साहब के खिलाफ केसेस थे, स्विस मुकदमात के, जिन पे एक वजीर आजम फारग भी हुआ था आपका, और जो महल थे सरे पहले और दूसरे प्रॉपर्टी जिनको बाद में आपने माना, वो भी सारी एक साजिश थी आपके खिलाफ? यकीनन आप कह सकते हो कि उनका फैसला फिर अदालत से करना था, जो कि अदालत भी नहीं कर सका। तो इसका फैसला जो है ये भी नहीं होगा। तो उन इल्जामात के दौरान जरदारी साहब ने तो कभी इस्तीफा नहीं दिया, पांच साल पर इस मुंह से इस्तीफा मांग रहे, हमारे ऊपर कोई साबित नहीं हुआ। तो अभी वज़ीर आज़म पे क्या साबित हुआ? ये अब मैंने आपको कहा ना कि हम नहीं, मुशर्रफ दौर की JITs याद हैं, उन्होंने भी बहुत साबित किया था आप लोगों का। एक चीज मुझे बता दो कि क्या वाकई टेक्निकल जवाब बन जाता था उसका, यूसुफ रजा गिलानी का, कि उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने फारिग किया? वो तो कन्विक्टेड थे ना, तो सजा हुई थी ना, कैसे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको नहीं मानते और अभी आप फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी भी कहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट के हर पांच, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, हम उस पांसी तक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चले गए, हमने कभी इनकार किया? पांसी दिया एक दफा नहीं, उसे दो दफा अदालती कत्ल कहते कहते हैं ना हम हक। देखिए एक चीज कुछ टेक्निकली है जो कि हमारे सर पर तलवार चल जाती है, ये तलवार और नहीं सर, सियासत को छोड़े थोड़ी देर के लिए, आयतुल्ला दुरानी क्या समझता है कि ये JIT की रिपोर्ट जो है आयतुल्ला दुरानी की नज़र में
क्या ये कानून और आइन की बालादस्ती है या एक साजिश है? अभी नहीं, वो ये टेक्निकल सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रास्ता इख्तियार किया, साजिश वाजिश टेक्निकल क्या होता है? आप आवाम को समझाएं ना, इसको आप क्षमता की साजिश है या आइन और कानून की बालादस्ती है? नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती का एक रास्ता है जिसमें से उसको मवाद मिलना है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज तक मवाद में पहुँचना है, आखिर वो जो छह महीने साल दो साल से मवाद जमा है। आयतुल्ला दुरानी और पीपल्स पार्टी ने जो मौकफ अपनाया हुआ इस साल, तरीके इंसाफ पीपल पार्टी के इस मौकफ को कैसे देखते हैं? कौन सा मौकफ? ये जो आपने दुरानी साहब को सुना कि ये टेक्निकल है या इनो नहीं, देखिए साजिश की जहाँ पर बात है, साजिशों में तो नून लीग पीएचडी है, शरीफ फैमिली ये साजिशें आज तक जो तो पाकिस्तान में हुई को समझने के लिए पीएचडी नहीं 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 ये साजिशों की पीएचडी, ये नवाज पार्टी के खिलाफ साजिश की जुनेजो साहब को फारग किया, फिर उन्होंने पंजाब हुकूमत से मरकज़ में आने के लिए साजिशें छांगा मांगा, फिर इनकी एक हिस्ट्री है कि साजिश छोटा लफ्ज़ पड़ जाएगा, ये जो इक्तदार के लिए और अपने सरमाए को बढ़ाने के लिए करते हैं वो साजिश एक छोटा लफ्ज़ है, उसमें इनका कोई दुनिया मुकाबला कर ही नहीं सकती, लेकिन इनमें अल्लाह की तरफ से एक ऐसी वो खसूसियत है कि कुल्हाड़े पे पाँव मारते हैं, पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारते। तीन पहली जितनी दफ़े इनकी हुकूमतें गई बच जाते हैं। नहीं देखे ना, अब बचना मैंने आपको साजिश में ये पिए, अब ये साजिश जिसको ये साजिश कह रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा, एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 30 साल से इस कौम पर ये मुसलत रहे, इनकी मईशत ऊपर जाती रही, पाकिस्तान की मईशत नीचे आती रही, इनके कर्जे सेटल होते रहे, हमारे कर्जे बढ़ते रहे, कौम गरीब से गरीब तर होती गई, शरीफ फैमिली के एक कारखाने से 9 हुए, 9 से 22 हुए, 22 से 31 हुए, और खरबों डॉलर, अभी मैं एक जो रिपोर्ट देख रहा था यहाँ हुई है कि नवाज शरीफ अरबों ने खरबों में चले गए हैं, इसकी फैमिली और इसके जो वो हैं, और सिर्फ 25,000 कनाल ज़मीन रायवंड स्टेट 25,000 कनाल, उसी का ये जवाब दे दें कि 1983 जब ये वजीर खजाना बने, देखे ना अब वो सामने की चीज़ है ना, ये 25,000 कनाल जमीन के हिसाब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीग में और भी बड़े शरीफ आदमी है जो वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो मुझे बताएं, आप जो इमरान खान के खिलाफ केस चल रहा है, कल अगर इमरान खान नायल हो जाते हैं तो पीटीआई में और कौन से शरीफ नहीं देखे? नहीं, हमारा तो इमरान खान की जगह ले, हमारी जमहूरी पार्टी है, नहीं हम नाम नहीं लेते, हम वर्कर्स के पास जाएंगे। नहीं नहीं, आप वर्कर्स ने आपको पता ही नहीं है नंबर टू कौन? नहीं नहीं, मुझे पता है कौन है नंबर टू, बताएं। नंबर टू शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन, लेकिन मैं आपको अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान, हम वर्कर, हमारे हमारे जो हमारे इलेक्शन होते हैं, हम इलेक्शन में चले जाएंगे जिसको वर्कर ने वोट दिया, हम तो इसके खिलाफ हैं। इमरान खान का मुतबादल कौन है? हम इलेक्शन वर्कर से इलेक्शन करा के पूछ लेंगे जिसको उसने वोट दिया, सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है, जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है जो इमरान नहीं देखो नाम, मैं हो सकता है मैं चेयरमैन बनना चाहता हूँ, अपॉर्चुनिटी है ना, जब जब हमारी पार्टी जमहूरी इदारा है, जिस जिस से इलेक्शन लड़ना है वो अपना नाम देगा, वर्कर उसको वोट देगा। पूछना है इन हालात में मुस्लिम लीग नून को पूरा डिज़ाइन सामने रख कर के इन हालात को शायद आगे जा कर के मुस्लिम लीग नून नज़रिया नज़रियाती जो ग्रुप है तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी और नून की क्या पोजीशन? दो लफ्ज़ बेसिकली सुनिए दरअसल मुस्लिम लीग जो रजिस्टर्ड है नून, वो मुस्लिम लीग नज़रियाती के नाम से नून अचानक हो गया, तो नून का कब्जा नज़रियात के बीच में चौधरी निसार के ना आने आप अपने नहीं, चौधरी निसार साहब की ना आने की शिक्ल में क्या नज़रियाती ग्रुप है? मुझे ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं किसी अगले मरहले पे कि मेरी जगह कोई और वज़ीर आज़म होना चाहिए, तो आप बतौर एक सियासी कारकुन क्या समझते हैं, क्या वो शरीफ खानदान से होना चाहिए या बाहर से? मैंने परसों दुनिया चैनल पर मुझसे यही सवाल पूछा गया था, तो मैंने कहा मेरी राय यह है और ये ख़ानदान की वजह से नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पे, कि नवाज शरीफ साहब अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से, किसी कानूनी मजबूरी की वजह से वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो मेरी दयानतदाराना राय है कारकर्दगी की बुनियाद पर कि मियां शहबाज़ शरीफ साहब का फिर कोई बदल नहीं, शहबाज़ शरीफ साहब को होना चाहिए। बिल्कुल, निसार साहब के बारे में आपकी क्या राय? देखिए मैंने अपनी राय दे दी है, मैं मियां शहबाज़ साहब को
देखिए बात यह है जी, मुझे किसी की सलाहियतों का पता नहीं है जब तक उसकी सलाहियतों का इजहार ना हो। शहबाज शरीफ साहब ने 3 दफा वजीर आला पंजाब रहे, सारी दुनिया मानती है, यानी चाइना वाले भी जो पंजाब में जिस तरह प्रोजेक्ट बनते हैं उसको शहबाज स्पीड कहते हैं। अच्छा। शहबाज स्पीड कहते हैं। और जब मेट्रो बस लाहौर में बनी थी तो तुर्की वालों ने आके कहा, मैं खुद उस फंक्शन में मौजूद था कि हमने इस्तांबुल में सबसे पहले ये बनाई, हमने 24 माह में बनाई, हमने कारो वालों को ये टेक्नोलॉजी दी, वो 4 साल में नहीं बना सके, और शहबाज शरीफ साहब ने 11 महीने में बना दिया। एक बात का वजाहत करना चाहता हूँ, ये सी पैक के लिए इनको बड़े मुंह में रालें टपक रही थी कि ये अरबों डॉलर हमारे दौर में आ जाए, बहुत बड़ा एक ना। चाइना वालों ने जब तक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं आए हुकूमत में $1 भी देने से इनकार कर दिया, उनको यकीन था ये सारा लूट खुट लूट का सारा हो जाए। आज आज एक बता दे, सारी अब दखल नहीं देगा, ठेके दिए गए और पीछे ये खुद बैठे, दखल नहीं दूंगा। चाइना वालों को पूछ लें कि क्या वो मुतमिन है कि जो उनकी रकम दी गई है वो सही इस्तेमाल हो रही है, मुल्क का फायदा और मुल्क का अच्छा, या वो गैर मुतमिन है, उनसे पूछ रहे हैं। आप नहीं है, आप तो मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जो आप से 80 अरब रुपए दूध और नहर की, एक सेकंड, 4 साल में आखिरी सवाल मुझे बता दें, आप समझते हैं कि जो मियां साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं होती। बहुत शुक्रिया चौधरी असद रहमान साहब, आयतुल्ला दुरानी साहब, आरफ अब्बासी साहब और हमें राना सलाउल्लाह ने भी ज्वाइन किया था, सरदार हमीद ने। ये कुछ दिनों की बात है, पीर को सुप्रीम कोर्ट जब समाज शुरू करेगी तो बकौल राना सनाउल्ला के शायद उस दिन भी कुछ राज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। अब देखें वो क्या राज हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर क्या अहकाम जारी करती हैं। अपने अपने गिरबान से इतना ही, मतीउल्ला जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।